जहन दोस्तों, आज बात करूंगा यूनिट की। सबसे एक्टिव फॉर्मेशन होता है इंडियन आर्मी में, होती है एक यूनिट, चाहे वो इन्फेंट्री यूनिट्स है, चाहे वो आरटी यूनिट है, चाहे वो एडी यूनिट है, चाहे वो मैक है, इन्फेंट्री है, ईएमई है, एएमसी है, ऑर्डनेंस है, एएससीए, कोई भी है, एक जो यूनिट होती है, वो इकाई होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है किसी भी आर्मी के फील्ड के लिए। इससे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण होता ही नहीं दोस्तों। और अब ये कहा गया है कि 2030 तक, यानी 7 से 8 साल के बाद 50% जो नफरी होगी वो अग्निवीरों की होगी दोस्तों, ये आपको समझना होगा। और वो नफरी में अग्निवीर होंगे, किसी की 4 साल की अंतिम होगी, किसी 3 साल वाला लॉट होगा, 2 साल वाला लॉट होगा, और 1 साल वाला लॉट होगा, यानी वो जवान होंगे जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर यूनिट का नाम रोशन करेंगे। यूनिट के लिए जैसे कहा जाता है, नाम नमक और निशान के लिए कितना काम करेंगे, ये अब आपकी अग्नि परीक्षा है। वो अग्निवीर होंगे, लेकिन अग्नि परीक्षा होगी कमांडिंग अफसर महोदय की, सीओ साहब की होगी, चैन ऑफ कमांड की होगी, ट्वाइसी की, सुबेदार मेजर की, सीनियर जेसीओ, बीएचएम, सीएचएम, इनके लिए ये बड़ी चुनौती होगी कि आप इनसे काम कैसे ले पाओगे। क्या वो उतने ट्रेंड हैं, क्या वो इतने टेक्निकल और पढ़े लिखे हैं, तो ऐसी क्या जरूरत है। फौज के काम में बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, चाहे टेक्निकल वर्क है, चाहे लॉजिस्टिक का वर्क है, चाहे ऑपरेशनल वर्क है, किस फील्ड में ये सक्षम होंगे, ये बात आपने कमेंट्स के जरिए कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। ये बात मैं कल की कह रहा हूं, उसमें लिखा है कि 2030 के दशक मध्य तक अग्निवीर यूनिट में 50% होंगे। ये कहा है लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता। और ये सेमिनार नहीं, बहुत बड़ा सेमिनार होता है इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव 2022 के प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि 50% अग्निवीर अब आपको अगले 6 से 7 साल आपके कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, वो भी यूनिटों में। मुझे तो डर लग रहा है, देखेंगे, मैं सुविधा दे रहा हूं, मुझे डर लग रहा है कि आज की जो परिस्थिति है ना, वो हर प्रकार की एक चुनौती पूर्ण है, चाहे स्पोर्ट्स करो, चाहे ऑपरेशन करो, मैन पावर की इतनी किल्लत है, इतनी दिक्कत है कि इतना काम हो गया है कि बंदा 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। शायद जिसने भी कहा है, इन्होंने कहा है, साहब ने कहा है, ये भारतीय सेना के पूर्वी कमान के जीओसी इन चीफ हैं, आप समझ सकते हो, साहब की बहुत बड़ी स्टडी रही होगी कि शायद ये टीओडी बोल सकते हैं, अग्निपथ योजना के ऊपर जो गलत फहमी फैलाई जा रही है, ऐसा नहीं, इसके बहुत बड़े फायदे हैं, अल्पकालिक सेवा में दीर्घकालिक परिणाम निकलेंगे, यानी अल्पकालिक तो सेवा है और दीर्घकालिक क्या निकलेंगे परिणाम, शायद हमारे समझ से बाहर है, मैं शायद उतना नहीं समझ पाऊंगा, आपसे कमेंट्स के जरिए चाहूंगा। साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये पेंशन बोझ को कम करेंगे, लेकिन आर्थिक बोझ की बात स्वीकार की है, पेंशन बोझ को उन्होंने डिनाई किया, आर्थिक बोझ कम होगा और जो पैसा होगा वो फौज को मॉडर्नाइज करने में काम आएगा। बिल्कुल सही बात है, फौज को आप मॉडर्नाइज करिए, लेकिन फौज को क्या कमजोर करके मॉडर्नाइज करना है या फौज को स्ट्रॉन्ग करना है, और फौज का सबसे स्ट्रॉन्ग यदि कोई है तो वो सिपाही है, वो एनसीओस हैं, इससे बड़ा स्ट्रॉन्ग की जरूरत नहीं होती। आप कितनी भी मर्जी प्लानिंग कर लो, कितनी भी मशीनें पीछे खड़ी कर लो, ये तो उसको ऑपरेट करने वाला ट्रेंड बंदा है, डेडिकेटेड बंदा है, ईमानदार बंदा है, तभी उससे आउटपुट निकाली जा सकती है, ये भी उतनी ही सत्य बात है जो प्रैक्टिकली सत्य है दोस्तों। उन्होंने कहा है अब मैं चाहता हूं इनकी अब ट्रेनिंग का, सर आपने देख लिया कि 6 महीने ट्रेनिंग होगी, फिर आप कहते हैं कि नहीं इनका इनको एजुकेशन भी दी जाएगी ताकि उन्हें कोई सिविल सर्टिफिकेट मिले, सिविल में जाके एक इस तरह के से एक पॉलिटिकल चीज फौज के अंदर पहली बार घुसी है कि उन्हें लोभ लुभावन बाधे करके उनको अंदर बुलाना, फिर अंदर भी उनको किस तरह एजुकेशन करा के रखना, फिर बड़े इज्जत से पैसा पूछा दे के बाहर करना, फिर ये सारी चीज समझ में नहीं आ रही, आखिर में ये कितनी स्ट्रांग होगी आपकी मध्यकालिक छोटे से समय के लिए फौजी बनना, और ये लंबे समय को क्या फायदा होगा। प्लीज मैं तीसरी बार कह रहा हूं, उसका मुझे कमेंट चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।